व्हाट्स अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का दिन काफी अच्छा है एंड मी एंड माय फ्रेंड्स प्लान फॉर अ मॉर्निंग राइड। मेरा जो फ्रेंड है नितेश एंड आशीष, वो आशीष के घर पे वेट कर रहे हैं एंड मैं वहीं जा रहा हूँ अभी, उन लोग से मिलूंगा। फिर हम लोग वहां से साइबर सिटी का प्लान करा है हमने जाने के लिए, तो उस साइड से हम लोग साइबर सिटी की तरफ जाएंगे। हम लोग का माइलेज टेस्ट भी हो जाएगा इस बाइक का और अंकल मान गए हैं बॉटल में पेट्रोल लेने के लिए। 2 लीटर में पेट्रोल लूंगा, एक बैकअप के लिए और एक डालने के लिए। अभी रिजर्व में चल रही है, जब तक रिजर्व का पूरा खाली नहीं हो जाता मैं 1 लीटर यूज़ नहीं करूँगा, तो मैं 1 लीटर की 2 बॉटल लेके आ गया हूँ। तो मैंने नई बाइक क्यों नहीं ली, सेकेंड हैंड के लिए क्यों गया मैं, ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को अपने पैसे बचाने थे अभी, एंड सेकेंड मेरे को हिमालयन लेनी है और नई बाइक मैं कभी पल्सर नहीं लेता, मेरे को हिमालयन ही लेनी है। तो इसको 2-2.5 साल चला के मैं सेल आउट कर दूंगा एंड फिर इंशाल्लाह वी विल गो फॉर हिमालयन डेफिनेटली। जाने दो यार इन लोग को, बस वालों से वैसे ही नहीं बढ़ना चाहिए। एंड ऑल्सो वाई डिड आई गो फॉर 200NS, बिकॉज दिस इज माई सेकेंड मोस्ट फेवरेट बाइक सिंस स्कूल टाइम। हाँ, हिमालयन से पहले ही मेरे को पसंद थी, लेकिन जैसे ही हिमालयन लॉन्च हुई थी उस पर दिल आ गया था। तो अभी मैं नितेश और आशीष से मिलूंगा, मेरी ड्रीम बाइक पे होंगे वो हिमालयन पे। तो यस, आई विल गेट टू राइड इट टू। चलो मिलते हैं अब इन लोग से। यहाँ कालका जी मेट्रो स्टेशन पे ये लोग मिलने वाले थे मेरे को, आ ही गए होंगे। हाँ वो रहे। और बंधुओ क्या हाल, और बेटे चले बस। हाँ हाँ ऑन है भाई, पेट्रोल ले लिया मैंने, आसानी बड़ी आसानी से दे दी यार, कोई पूछा उछा नहीं कुछ। हाँ चल। ओहो अब हम लोग निकल रहे साइबर सिटी की तरफ। बाइक मेरी रिजर्व में है, जब तक इसका टैंक खाली हो जाएगा फिर हम लोग 1 लीटर डालेंगे, फिर इसका ट्रिप जो है वो 0 करेंगे। अब वॉज रियली क्यूरियस ये माइलेज कितना देगी, क्योंकि मेरे को जाना था। मैंने 800 रुपये का पेट्रोल 3 दिन पैदल डलवाया था, लेकिन ज़्यादा चला नहीं वो। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आई माइलेज में तो डेफिनेटली मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। एंड ऑल्सो मैं ज़्यादा तेज़ वगैरह चलाता नहीं हूँ, सही करेक्ट RPM पे मैं गियर्स वगैरह सब चेंज करता हूँ, फिर भी पता नहीं इसके इतना कम माइलेज क्यों दिया था मेरे को। बाकी अभी हम लोग साइबर सिटी जा रहे हैं, वहाँ पर फोटोज़ वगैरह लेंगे और फिर वापसी में थोड़ा खाने वाने का मिलेगा तो देख लेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, फिर आ जाएंगे घर वापस। छोटी सी मॉर्निंग राइड का बहुत मन था हम लोगों का, मैंने भी नई बाइक ली थी, नितेश की भी नई बाइक थी। तो बस अब आगे डेफिनेटली इंशाल्लाह प्लान करा है हमने जयपुर जाने का, तो देखते हैं वो प्लान कब एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ से हम लोग चिराग दिल्ली से होते हुए साकेत जाएंगे, साकेत से होते हुए हम लोग ले लेंगे MG रोड। हाँ MG रोड से होते हुए हम लोग निकल जाएंगे साइबर सिटी की तरफ। यार मैंने खोल के रख दिया था अपना वाइजर, विंड ब्लास्ट काफ़ी आया होगा, ऑडियो क्वालिटी में इश्यूज ना आए। यार भूल गया था मैं वाइजर अपना बंद करने को, अब साउंड में विंड ब्लास्ट आया होगा, उसको थोड़ा पोस्ट प्रोसेसिंग में ठीक करेंगे। तो ये सिलेक्ट सिटी वॉक वाली रोड है, लगता है बाइक में हल्का पावर कम हो रही है, मतलब पेट्रोल जाने वाला है, इतनी जल्दी तो नहीं जाना चाहिए। क्या चल ये क्या बढ़िया लग रही है यार, जल्दी आ जाओ बस, कोई नहीं अपनी भी कम नहीं है, अपनी भी किसी स्पोर्ट्स वाइज कम है कि। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है अभी, हवाएं ठंडी चल रही है, इसलिए मॉर्निंग राइड का हमने प्लान करा था। रोड भी काफ़ी खाली है एंड ऑफिस वगैरह का भी टेंशन नहीं है, क्योंकि सैटरडे है या ट्रैफिक वगैरह भी नहीं मिलेगा आई होप। तो यहाँ से हम लोग कुतुब मीनार वाली रोड पे मुड़ेंगे एंड फिर वहाँ से हमें MG रोड का रास्ता मिल जाएगा हमें वहाँ, तो वहाँ से तो बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है साइबर सिटी का, बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है वहाँ से। ये देखो कैसे फ्लाई बाय करके चढ़ा रहा है,
भाई वो जो एम जी रोड आएगी ना वहाँ से हमें अंदर लेना है, लेफ्ट। हाँ नहीं सही है, हाँ यहीं से लेना है हमें। तो काफ़ी जल्दी पहुँच गए, यही फ़ायदा है, सुबह सुबह हमने प्लान करा था, ना जाम मिलेगा ना कुछ, तो हम लोग आराम से जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे ठंडी ठंडी हवा खाते हुए। जैसे ही बाइक रुकेगी इसका दोनों ट्रिप में ज़ीरो करूँगा एंड देन फिर इसमें एक लीटर भरेंगे, फिर देखते हैं कितना चलती है, उसका फिर माइलेज टेस्ट भी हो जाएगा हमारा। यार ये विंड वाइज़र मैं बंद कर रहा हूँ बार बार, मेरे चश्मे में फॉग जम जा रहा है इसीलिए मेरे को बार बार खोलना पड़ रहा है, फिर मैं बंद करना भूल जाता हूँ, फिर इसमें विंड ब्लास्ट आएगा और ऑडियो क्वालिटी भी ख़राब होगी इसकी। अभी कुछ दिन पहले, अभी दो तीन दिन पहले मैंने माइक का जुगाड़ करा था, माइक में से ऑडियो सही नहीं आ रही थी, बजिंग और स्टैटिक काफ़ी आ रहा था, तो इसीलिए खोल खाल के माइक को ठीक करा। अब देखते हैं यार, ऑडियो इश्यूज आए तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में ठीक कर दूंगा। यार ठंडी ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल, ये देखो कैसे फ्लाई बाय मार रहा है बार बार चिढ़ाने के लिए, हम भी मारेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। ये पकड़ लिया हमने एमजी रोड गुड़गांव के लिए, अब यहाँ से जाएंगे साइबर सिटी। सेकेंड वेव के बाद मतलब लोग इतना ज़्यादा चिल हो गए हैं, कोई परवाही नहीं है लोगों को, मार्केट में इतनी भीड़, बिना मास्क के घूम रहे हैं सब, मतलब कोई परवाही नहीं है। मतलब सेकेंड वेव इतना लीथल था, मेरा तो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरी फैमिली में, आप लोग तो जानते ही होंगे, बट फिर भी लोगों को कहाँ कुछ है, ढंग नहीं है किसी को, मार्केट में इतनी भीड़ है, ना मास्क लगा रहे ना कुछ, क्या ही होगा इन लोगों का। हम लोग तो एकदम आराम से चला रहे हैं, 50-60 से ऊपर जा ही नहीं रहे, एकदम परफेक्ट स्पीड है सुबह सुबह क्रूजिंग करने के लिए। ये देखो आते ही लाइट ग्रीन हो गई, बहुत बढ़िया रोड है ये, बहुत बढ़िया रोड है। क्या बढ़िया पिकअप आया था यार इसमें, खाली रोड पे एकदम स्मूथ चल रही थी, मतलब बुलेट में तो 80 पे कांप जाती है वो, इसको चलाने का मजा ही लगा रहा है यार। बस 10 मिनट में हम लोग पहुंच ही जाएंगे साइबर सिटी, इटोरनी पहुंच गए हैं, बस 3-4 मेट्रो स्टेशन से ही याद है मेरे को, 3-4 मेट्रो स्टेशन है याद है सिकंदरपुर। आई एम स्टिल शॉक्ड, बाइक अभी तक रिजर्व में चल रही है, मेरे को अभी तक पेट्रोल डालने की नौबत नहीं आई है, देखते हैं अब कितना और खींच सकती है ये। लो ये वाली रेड लाइट भी आते ग्रीन हो गई, वाह। थोड़ा पीछे रह गए, बाइक स्लो कर लेता हूँ। साइबर सिटी का तो यही फ्लाईओवर चढ़ना पड़ेगा हमें यहाँ से, तो साइबर सिटी ऑलमोस्ट पहुँच गए हम लोग, पूरा पूरा उधर साइबर सिटी है, दुनिया ही लगे यहाँ की। देखो पूरा साइबर अवे, अलग ही चीज लगती है ये बिल्कुल। पहुंच गए हम लोग साइबर, अब यही है बंदर बंदर कहाँ जाने का मिलेगा इसे। मजा आ गया सुबह सुबह, साइबर अब से हम लोग अब निकल रहे हैं, फोटो सेशन वगैरह सब हो गया, भाई कभी भी रिजर्व में, पता नहीं कब इसकी टंकी खाली और मैं पेट्रोल डालूं, अभी तक तो ठीक ठाक चल गई है,
28 किलोमीटर ऑन ओडो ट्रिप मैंने इसका रीसेट कर दिया था। अब यहाँ से देखते हैं कुछ खाने वाने के लिए चलेंगे, लाइट ब्रेकफास्ट हो जाएगा कुछ। काफ़ी मज़ा आया आज सुबह सुबह राइड पे निकलने में, ऐसी सीन बनाते रहेंगे हफ्ते दो हफ्ते में एक बार, माइंड फ्रेश भी हो जाता है और बाइक भी अच्छी खासी चल जाती है। ये रही अपनी येलो लाइन दिल्ली मेट्रो। तो यहाँ पर स्पीड कैमरास लगे हुए हैं तो हमें 50 से ऊपर नहीं करेंगे हम लोग। फोन काफ़ी अच्छा हो रहा है आज भी, बारिश का मौसम बना हुआ है, लगता है माइलेज टेस्ट आज हो नहीं पाएगा, ऐसे ही घर पहुंच जाऊंगा मैं। पेट्रोल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, रिजर्व में ही अभी तक। अगर घर तक ये रिजर्व में चली गई तो मतलब समझ जाऊंगा इसका सिटी में जो माइलेज है इसका आराम से 32-35 है, तो दैट इज़ क्वाइट गुड। अंकल से अंकल रेस लगाओगे? अपनी भी गैंग होनी चाहिए एक, मैं नहीं बाइक ले ले तू भी, या फिर एक्टिवा में आ जा। हाँ ले आया, हमने थोड़ा ड्रैग करा था तो ऑब्वियसली मेरी बाइक में पावर है तो निकल गई वो। अभी हिमालयन में टॉर्क मिलेगा आपको जो कि स्लोप्स वगैरह पे बिना किसी मुश्किल के आराम से कहीं भी चली जाएगी वो, लेकिन वही चीज़ पल्सर में नहीं हो पाएगी। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, ये कुत्ते ना दिमाग बहुत डेंजर लगते हैं यार, गलती से टच हो जाए ना। तो अभी हम लोग अराउंड कुतुब मीनार के बैक साइड में है, ये रास्ता काफ़ी अच्छा है और राइट और लेफ्ट आपके पेड़ हैं और बीच से रास्ता निकल रहा है। मतलब ये रास्ते बहुत अच्छे लगते हैं सुबह सुबह, और एक तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, यहाँ पर राइडिंग करने में काफ़ी मज़ा आया है। अभी हम ढूंढ रहे हैं कुछ मिल जाए चाय वाय पीने के लिए, कोई टपरी वगैरह मिल जाए तो वहीं पर रोकेंगे, देन फिर अपनी बाइक स्विच करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं हिमालयन चलाऊँगा एंड नितिश मेरी पल्सर चलाएगा। काफ़ी सुकून वाला रास्ता है ये। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर ब्रेक लिया है और यहाँ पर छोले भटूरे खा रहे हैं हम लोग। हंस क्या रहा है भाई? वो खड़ी अपनी बाइक। अभी मैं हिमालयन चलाते हुए आ रहा था भाई, मतलब इतना मज़ा आया ना उसको चलाने का, मज़ा ही अलग है। चलो खाने के बाद मिलते, निकल रहे हो यहाँ से? चल भाई ठीक है। चल ठीक है, मिलते हैं, ठीक है। चलो हम लोग भी निकल रहे हैं, आशीष को छोड़ते हुए जाऊंगा। तो बाइक अभी तक रिजर्व में ही चल रही है, मेरा एक्शन कैमरा डेड हो गया अनफॉर्चुनेटली, एंड ओडो में अभी इसका ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स हो चुका है, जीरो पे स्टार्ट करा था मैंने, और रिजर्व में इसके अराउंड 2.2 लीटर्स होता है और कल मैंने थोड़ा सा यूज़ भी करा था। तो फिर अभी तक तो सही चल रही है बिल्कुल, देखते हैं अगर इसने 70 तक खींच दिया तो मतलब इसका माइलेज बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। हाँ, क्योंकि यार रोड वगैरह सब खाली थी, ट्रैफिक नहीं था, तो विदाउट ट्रैफिक इसका माइलेज ठीक ही है। बाकी देखते हैं अब आगे, और अभी तक तो नौबत नहीं आई पेट्रोल डलवाने की। चलो सो गाइस, मैं घर पहुंच गया हूँ, सो इट्स फाइनली टाइम टू एंड द व्लॉग, एंड ऑल्सो मेरे ओडो पे ट्रिप 2 में यहाँ पर ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स पूरे हो गए हैं, वो रिजर्व टैंक में, मैंने कोई रिफिल नहीं करा था इसको 68.6, लेकिन अभी भी इसमें का मतलब पेट्रोल बचा है, तो देखते हैं अभी कितना खींच सकती है। बाकी मैं अपडेट आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड ऑल्सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड अगर इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड अगर कोई सजेशन है तो कमेंट ज़रूर करना। ओके, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।